हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं शशांक और आप देख रहे हो स्काई गुरुकुल। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वाराणसी के टॉप बीटेक कॉलेजेस के बारे में कि बनारस में कौन कौन से टॉप बीटेक कॉलेजेस हैं। आप लोग का बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा था और बहुत सारे पिछले वीडियोज में क्वेश्चन भी थे जिनको कि हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले कॉलेज की बात करें, देखिए बनारस में बहुत सारे बीटेक कॉलेजेस चल रहे हैं, प्राइवेट भी हैं और कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं। बट आपको मैटर ये करता है कि आपको चॉइस देखनी है कि आप बीटेक किस लिए कर रहे हो, या प्लेसमेंट के लिए कर रहे हो, जॉब के लिए कर रहे हो, या फिर केवल केवल फर्दर स्टडीज के लिए कर रहे हो। ठीक है, तो मेन मोटिवेशन आपका देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस भी हैं बनारस में और कुछ नामी कॉलेजेस भी, कुछ कॉलेजेस केवल नाम के भी हैं। ठीक है, तो चलिए ज्यादा बकवास ना करते हुए सबसे पहले कॉलेज की तरफ चलते हैं। और सबसे पहला जो कॉलेज है हम लोग का, वो काफी नामी और काफी इंडिया लेवल का कॉलेज है, जो कि है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग बोलते हैं IIT BHU। ठीक है, जो कि बहुत लोगों का सपना होता है। और इसमें एडमिशन का प्रोसेस की भी हम बात कर लें तो एडमिशन प्रोसेस जो है इसमें देखिए, वो है आपका IIT के द्वारा। ठीक है, IIT एग्जाम जो होता है JEE मेंस और JEE एडवांस के द्वारा। ठीक है, JEE एडवांस आप क्वालिफाई करते हो तब इसमें आपका एडमिशन होता है। बात करें यहाँ की फीस स्ट्रक्चर की, तो यार फीस तो काफ़ी ज़्यादा है। अभी जब जो रिपोर्ट मिला है मुझे, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ का फीस जो है वो 8 से 10 लाख का चला जाता है बीटेक कोर्स का, फुल बीटेक कोर्स का। मैं एक साल की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं आपके 4 साल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बीटेक कंप्लीट कोर्स का। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है। और यहाँ पे आपका जो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट का तो आप बात ही छोड़ दो, क्योंकि प्लेसमेंट का तो आप जानते ही हो कि IITs और NITs जितने भी होते हैं वहाँ पे बीटेक के बच्चों का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा वाला लग जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट बात करते हैं जो दूसरे नंबर पे आता है, वो आता है आपका काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये जो इंस्टीट्यूट है ना, ये अभी एक नया इंस्टीट्यूट है बनारस में और इसका परफॉर्मेंस को लेकर के काफ़ी हलचल मची हुई है मार्केट में, क्योंकि काफ़ी अच्छा यहाँ पे ग्रोथ रेट भी दिखाई दे रहा है बच्चों का, स्टूडेंट्स का। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट जो मैंने देखा, जो मैंने सुना है अभी तक, कि काशी इंस्टीट्यूट ऑफ वाराणसी जो है काफ़ी अच्छा कॉलेज है, काफ़ी नामी कॉलेज है। ठीक है, बात करें यहाँ पे आपका कैसे एडमिशन होता है, तो एडमिशन प्रोसेस जो है वो JEE के द्वारा भी है। JEE जो आपका एग्जाम होता है, आपका JEE मेंस और JEE एडवांस, और दूसरा जो है वो UPTU के थ्रू भी होता था, बट अभी तो UPTU खत्म हो गया, JEE मेंस के थ्रू ही ले लेता है आपका एडमिशन। ठीक है, और डायरेक्टली भी एडमिशन हो ही जाता है। आई थिंक बात करें यहाँ पे फी स्ट्रक्चर की, तो जो आपका फी स्ट्रक्चर वो 2.5 लाख से लेकर के 4 लाख में वेरी कर सकता है। 2.5 लाख रुपए से लेकर के 4 लाख रुपए आपका लग सकता है बीटेक कोर्स कंप्लीट करने में काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब PIT में। ठीक है, बात करें यहाँ पे प्लेसमेंट जो रेशियो रहता है, प्लेसमेंट का रेशियो इन्होंने जो दिखाया है अभी तक 2.2 लाख से लेकर के 3 लाख तक, मतलब 2.5 लाख से 3 लाख तक का आपका प्लेसमेंट जो है एवरेज प्लेसमेंट लगता है। और काफ़ी अच्छी अच्छी जगह पे लगा भी है। कॉलेज में मैं एक बार गया था तो वहाँ पे देखा था, काफ़ी अच्छे अच्छे जगह पे पोस्ट हैं, जैसे बायजूस वायजूस में भी पोस्टेड हैं इनके कुछ स्टूडेंट्स। ठीक है, बात करें तीसरे नंबर पे जो आता है वो है अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो कि आपका बनारस में है, स्थित है। और बात करें यहाँ पे फी स्ट्रक्चर, आपका एग्जाम कैसे यहाँ पे एडमिशन होगा, तो सेम यार जैसे कि हर कॉलेज में होता है, JEE मेंस के थ्रू हो रहा है और UPTET के थ्रू, UPTU के थ्रू भी होता था, बट अब तो डायरेक्टली ही हो जाता है आई थिंक यहाँ पर। ठीक है, अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बस आपका JEE मेंस में अच्छे नंबर होते हैं, तो स्कॉलरशिप भी आई थिंक ये लोग दे देते होंगे, अभी मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर नहीं देते हो भाई तो ये वीडियो देख के आप लोग दे दो सर। ठीक है, बात करें यहाँ पे टोटल फीस की, तो अशोका इंस्टीट्यूट का जो टोटल फीस है वो आपका 2,20,000 से लेकर के 2,63,000 तक जा सकता है। जा सकता क्या है कि उससे ऊपर भी जा सकता है, बोल नहीं सकते, अब वो तो कॉलेज का मैनेजमेंट डिसाइड करता है यार फीस। ठीक है, जो एवरेज फीस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बात करें जो नेक्स्ट नंबर पे आता है, वो आता है चौथे नंबर पे आता है CET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप लोग जानते हैं CET कॉलेज काफ़ी नामी कॉलेज है बनारस में बीटेक के लिए। ठीक है, काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक ठाक ही है। ठीक है, बात करें यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस का, तो सेम JEE मेंस के थ्रू होता है और UPTET के थ्रू होता है। और फीस की बात करें तो फीस थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा है, 3 लाख से लेकर के 4 लाख तक का आपका जो फीस है वो लग सकता है। ठीक है, बीटेक कोर्स कंप्लीट करने में। पांचवें नंबर पे जो आता है वो आता है MP इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, जो कि एक अच्छा कॉलेज देखा जाता है, एक अच्छे नजरिए कॉलेज से देखा जाता है। प्लेसमेंट की क्या रेट हुई ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे ठीक है और फैकल्टीज भी अच्छे हैं यहाँ के। ठीक है, बात करें छठवें नंबर पे जो आता है वो आता है एम्बिशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि एक अच्छा कॉलेज है। एम्बिशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी एक अच्छा ही कॉलेज है, और यहाँ का बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो काफ़ी अच्छा है, माहौल भी काफ़ी अच्छा है, और साथ साथ बात करें तो का प्लेसमेंट भी ठीक ठाक दे देते हैं। तो ये थे कॉलेजेस, टॉप कॉलेजेस जो कि बनारस में चल रहे हैं बीटेक कोर्स को लेकर के। देखिए कॉलेजेस बहुत सारे मैंने पहले ही बता दिया था, बट मैटर करता है कि आप किस सिचुएशन में और एडमिशन आपका लेने का मकसद क्या है और क्या लाइफ में आपके गोल्स हैं। ठीक है, बात करते हैं। देखिए दोस्तों,
बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे देखने को, बहुत सारे प्रमोशनल वीडियोस भी मिल जाएंगे। बट मैं हमेशा एक ही चीज़ रिकमेंड करता हूँ, अगर आपको एडमिशन लेना है क्लास ट्वेल्थ के बाद किसी भी बीटेक कॉलेज में, तो सबसे पहले उस कॉलेज का 5 ईयर का, जी हाँ दोस्तों 5 ईयर का डाटा निकालिए आप, उसमें उनका प्लेसमेंट रेशियो देखिए और एडमिशन रेशियो देखिए, साथ साथ जो भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन हर कॉलेज का जरूर लें अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं। तो किसी का वीडियो देख करके इन्फ्लुएंस ना हो, ये वीडियो केवल केवल जानकारी देने के लिए होती है, ठीक है, जिससे कि आपको कॉलेजेस के बारे में पता चल जाए, एक डेमो के रूप में मिल जाए। लेकिन आपका फ्यूचर का सवाल है, आपका पूरा लाइफ जो है वो आपके कैरियर पे डिपेंड होता है, आपके प्लेसमेंट और आपके जो भी जो आप स्टडीज करते हो उस पर डिपेंड होता है। तो आप लोग कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार पूरा रिसर्च जरूर कर लें उस कॉलेज को लेकर के, और हो सके तो कॉलेज में भी जा करके पता कर लें, और हो सके तो जिस कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं उस कॉलेज के जो सीनियर्स हैं उनसे एक बार जरूर आप एडवाइस ले लें, राय विमर्श ले लें, ठीक है, कि कैसा कॉलेज है और क्या यहाँ पे प्लेसमेंट रेशियो है, सब कुछ आपको वो बता देंगे, रियलिटी बता देंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, काफ़ी नॉलेजेबल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी रिसर्च करना होता है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद एक वीडियो बनती है। तो आशा करूँगा आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूँ नेक्स्ट ऐसी ही धमकती धमकती एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद।